गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब अच्छा होगा, रखना पड़ेगा। हम लोग कोरोना काल में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई को अच्छा से समझते हुए। चलिए देखिए, अभी जो आपको ये ऑर्गेनिक आपके सामने जा रहा है, वे जो 6 to 8 PM में थे उसके लिए है स्पेशली, क्योंकि 4 to 6 और सुबह में 6 to 8 PM उसमें मैंने फिनिश्ड कर दिया है, इसलिए ये नोमेनक्लेचर स्पेशली 6 to 8 PM वाले जो बच्चे हैं वे अपने कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे और नोट करेंगे। तो पिछले क्लास हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन फिनिश्ड कर लिए, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो अभी हम थोड़ा सा बात कर लें अल्कीनाइल। अल्कीनाइल कहने का मतलब क्या हुआ? तो ये जो कंपाउंड कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, जैसे ही अल्कीनाइल कहा जाए तो हम क्या कह देंगे? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये दोनों ही सिचुएशन हम लोगों को आ गया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये बात समझे, जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग सिचुएशन में देखे इससे पहले वाला लेक्चर में। तो इसमें हम दो केस में बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट, इफ कार्बन कार्बन डबल एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑन इक्वल पोजीशन, दोनों का दोनों इक्वल पोजीशन पे हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या बात करेंगे? तो कह देते हैं, इसमें रूल बना देते हैं। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द डबल बॉन्डेड साइड। यानी इस तरह के केस में नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट किया जाए? तो डबल बॉन्डेड साइड से। तो देख लीजिए, चलिए देखिए, 1 2 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 2 दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। तो यदि दोनों का दोनों इक्वल पोजीशन पे रहे तो नंबरिंग हमेशा किधर से स्टार्ट करना है? नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द डबल बॉन्डेड साइड। 1 2 3 4 5 6 तो हम कह देंगे हेक्स, कितने कार्बन है? 6 हेक्स 2 इन और 4 आयन, 2 इन 4 आयन। क्लियर है? फिर से एक बार ले लीजिए, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। सर जी, आप तो ऐसे बताते हैं जैसा कि दिमाग में घुसा दिए हो। बच्चों, मेरा पढ़ाने का यही स्टाइल है, सिर्फ पढ़ने वाला मिलना चाहिए, लेकिन आजकल के समय पढ़ने वाला मुश्किल है, गप सुनने वाला ज्यादा है, ताकि उसको मजा आए, नहीं तो पटना से इतना रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है? यही कारण है जो यहाँ टीचर भी उसी में ढल गए हैं, जो कैसे बच्चा को ताली मरवा मरवा करके जो है जमा करें, है ना? पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं, और जो पढ़ाने वाले टीचर है उसको थोड़ा परेशानी हो, तो हम भी चाह रहे हैं जो गप मार मार के आप लोगों को
ठीक करें। चलिए देखिए, 1 2 3 तीसरा नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड। तो क्या आपको कंसेप्ट दिए सर जी? राइट साइड से स्टार्ट होगा, आप छोड़ दीजिए, अब समझ में आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या समझे बात? यदि दोनों का दोनों इक्वल पोजीशन पे हो तो डबल बॉन्ड की तरफ से। क्यों? क्योंकि इसका सफिक्स ENE होता है और इसका YNE होता है, और हम जानते हैं अल्फाबेटिकली पहले E उसके बाद Y। तो आप क्या कह दीजिएगा? ऑप्ट, है ना, ऑप्ट थ्री इन, थ्री इन और फाइव आइन। तो देखिए यहां पे एक E को ड्रॉप करा दिया गया, एक E को ड्रॉप करा दिया गया, क्योंकि Y एक सेमी वॉवेल है और Y एक क्या है, सेमी वॉवेल है, इसीलिए ड्रॉप करा दिया गया। तो ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम मिटाते हैं। पढ़ना पड़ेगा कुछ करने के लिए, पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग केस सेकंड का बात कर लें। केस फर्स्ट में बात कर लिए फिनिश्ड, अब केस सेकंड में देखिए जो क्या करना है। केस सेकंड, इफ कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑन ऑन अनइक्वल पोजीशन, दोनों का पोजीशन अनइक्वल हो तो रूल, इस केस में रूल क्या होगा? ओबे आर एफ पी डी एंड अल्फाबेटिकल सीक्वेंस रूल। यदि दोनों बराबर ना हो तो आर एफ पी डी का बात करेंगे, अल्फाबेटिकल तो आएगा ही नहीं, आर एफ पी डी में से ही काम चल जाएगा। चलिए देख लीजिए, तो बता दीजिए यहाँ पे ये 1 पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो कौन नजदीक आ गया पहले? तो डबल बॉन्ड आ गया, तो इसीलिए 1 2 3 4 5 ठीक है, क्या समझे? बी कॉन्शियस, देखिए ध्यान से, यहाँ दूसरा पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ ये दूसरा पे पहला पे डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए डबल बॉन्ड के तरफ से। फ्रेंड 1 in और 3 in, क्लियर है? क्लियर तो होगा ही सर जी, आप पढ़ावे और क्लियर ना हो तो फिर दुनिया में पढ़ाई बेकार हो जाएगा बाबू। ये बात सब समझे तब तो, सब तो बेवकूफों का भंडार है। चलिए देखिए, आहा थोड़ा सा और देख लीजिए, हम लोग नंबरिंग जो है कहां से स्टार्ट करें, किसी किनारे से। तो 1 2 दूसरा पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 तीसरा पे डबल बॉन्ड, तो इस बार नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यों इधर से सही हुआ? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड दूसरा नंबर के कार्बन पे है और ये डबल बॉन्ड ये तीसरे नंबर के कार्बन से आता, तो आरएफपीडी का बात होगा, तो इसीलिए ऑक्ट, लेकिन नेम हमेशा अल्फा बेटिकल सीक्वेंस में ही लिखे हैं, तो ऑक्ट 5 in और 2 in, क्लियर है? तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें, लाइक करें, अब शेयर तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब आपका ऐप पे डाउनलोड हो रहा है। इंपॉर्टेंस पॉइंट अबाउट हाइड्रोकार्बन,
इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट हाइड्रोकार्बन, यानी अभी तक जो हम लोग नोमेनक्लेचर में समझे हाइड्रोकार्बन, उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट आप कर लेते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले आप जानते हैं जो जैसे ही हाइड्रोकार्बन कहा जाए तो इसका मतलब ही होगा केवल कार्बन और हाइड्रोजन। इस हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रो जो कार्बन है उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया, दो भाग में। एक को कहेंगे सैचुरेटेड और दूसरे को नाम रख दिया गया अनसैचुरेटेड, है ना। और अनसैचुरेटेड को फिर दो भाग में, एक का नाम अल्कीन और दूसरे का नाम अल्काइन। क्लियर है। जैसे ही हाइड्रोकार्बन कहा जाए तो दो भाग, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर हम लोग बात करेंगे अल्केन। इस अल्केन का नाम पाराफिन्स है, ये पाराफिन्स आया, और अल्कीन का नाम ओलिफिन्स आ गया। ये इसमें किसी प्रकार से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप एफजी मतलब फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और इसका डबल बॉन्ड और उसका क्या ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग अल्केन के केस में आप याद रखें जो जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, CH4 इसका IUPAC नेम तो मीथेन है, लेकिन कॉमन नेम क्या है, मार्स गैस। क्या नाम है, मार्स गैस। और ये इसका जनरल फार्मूला CnH2n, इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2। C2H4 ये IUPAC में हम लोग इथाइलीन कहेंगे, और C2H2 IUPAC में, सॉरी ये IUPAC में इसको हम इथीन कहेंगे, और ये IUPAC में इथाइन कहेंगे, इथाइन। ये कॉमन नेम इसका हो जाएगा इथिलीन, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसीटिलीन। ठीक है। तो इस तरह से ये जितना भी पॉइंट दिए ये सब का सब इम्पोर्टेंस पॉइंट है। देख लीजिए अल्कीन के केस में कॉमन नेम इथिलीन है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लें क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता होगा। ठीक है। तो चले अब आगे हम लोग बात करें। तो अब फंक्शनल ग्रुप का बात करेंगे तो वीडियो को आपको पॉज करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। तो हम लोग अब बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जिसको सिंबलाइज किससे, एफजी से। इट रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ चेन। ये चेन के प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगा, कंपाउंड के बारे में बताएगा। इट रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ चेन कह दीजिए या कंपाउंड कह दीजिए, उसको ही नाम रख दिया गया है फंक्शनल ग्रुप। इस बात को सिंपली हम लोग ऐसे समझें, जो जितने भी क्लास में है सबका सब ये स्टूडेंट रहता है, लेकिन कल होकर के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई IAS बनेगा, IPS बनेगा। तो ये जो अलग अलग जो आप कह रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर, वे अपने आप में क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। वे एक ह्यूमन को, एक मैन को पर्सनैलिटी के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। इसी तरह से अभी तक जो हम लोग हाइड्रोकार्बन पर है और उसमें भी मेनली अल्केन का बात किए, वे अल्केन एक चेन बन गया। ये अल्केन क्या हो गया, एक
चेन हो गया। इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं ये अपने आप में एक चेन है, ये चेन। और जब इसमें OH जोड़ दिए तो यही तो है हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप अब ये कह देंगे जो किसका फार्मूला है तो अल्कोहल का। तो इस तरह से वैसा एटम और ग्रुप जो चेन के प्रॉपर्टीज को बतावे, यानी हम कह देंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप मे बी एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ये एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। तो अगेन आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ हम लोगों का जो फंक्शनल ग्रुप है वे फंक्शनल ग्रुप आज आपको दे रहे हैं, वे आपको रट जाना होगा जो ये होता है, ये होता है। तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर ले, क्लास है या फैमिली और उसका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्लास या उसी को फैमिली या फंक्शनल ग्रुप है ना। चलिए देखते जाइए, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, OH। मस्त पूछ दीजिएगा जो सर ये कैसे स्ट्रक्चर हुआ, अभी रट जाइए। एल्डिहाइड CHO, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा। एमाइड या एसिड एमाइड CONH2, ऐसा होगा। एसिड एनहाइड्राइड CO, ये एसिड एनहाइड्राइड है। ये डॉट क्या दिखाते हैं, लोन पेयर। अभी सिर्फ रट जाइए जो क्या है, सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। एमाइन NH2, अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये सब का सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। देख लीजिए ये 6 नंबर अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। वीडियो को पॉज कर ले, नोट कर ले, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 7, अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड COOH, कीटोन CO, नाइट्रो, ये सब का सब एज इट इज अभी रट जाइए, समझ गए ना। फिर हम लोग बाद में देखेंगे एसिड हेलाइड ये मैंने रटा है, आपको भी रटना पड़ेगा, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता ही जाएगा।
ठीक ना। इथर, ईस्टर, ये सब का सब आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग कितना तक पहुंच गए, 10, 11, 12, 13। नंबरिंग में मत टेंशन लीजिएगा सर जी, नंबर छूट गया, 13 तक हो गया। ये सब का सब आपको रटना पड़ेगा। पॉज कर लिए, नोट कर लिए। चलिए देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, अगले रोज आप लोगों को सबसे सुनेंगे, सॉरी बोल देते हैं सुनेंगे, क्योंकि कभी कभी मुझे लगते रहता है जो हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं बच्चे मेरे सामने हैं, यानी जगे हुए में सपना देखने लगते हैं, जो कि अभी है नहीं, कोरोना काल है, झूठ मूठ का कोरोना है। तो 14 नाइट राइल, नाइट राइल क्या बोलिएगा, CN, आइसो नाइट राइल, आइसो नाइट राइल, NC। सर जी ये क्या दिखा दिए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस तरह का नाम कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन में समझाए हैं, और अभी डिटेल हम लोगों को पढ़ना है, इसीलिए अभी एज इट इज रट जाइए, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हेलाइड एक्स, एक्स और इस एक्स के जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड SO3H, ठीक है। तो इस तरह से इतने फंक्शनल ग्रुप बात किए हम लोग, इतने फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर बात करेंगे। तो वीडियो को पहले पॉज करें, नोट करें। तो अब सबसे पहले बात करें हाइड्रोजन कह लीजिए, या हेलाइड कह लीजिए, या हेलो कह लीजिए, सब का सब क्या है, एक ही है। तो जैसे ही कहा जाए इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो क्या कहिएगा, एक्स, और इस एक्स के जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हम बात करने जा रहे हैं IUPAC नेम रूल, सेम एज अल्केन, यानी ये वैसा ही बात करें जैसा कि अल्केन का बात किए। तो अल्केन में हम क्या देखे हैं वैसा ही देखेंगे। दूसरा पॉइंट, नो एनी प्रीफरेंस ऑफ हेलाइड फंक्शनल ग्रुप, हेलाइड फंक्शनल ग्रुप को किसी प्रकार से कोई प्रीफरेंस नहीं दिया जाएगा, हेलाइड को किसी प्रकार से कोई प्रीफरेंस नहीं दिया जाएगा। बेस नेम हेलो अल्केन, क्या कहिएगा, हेलो अल्केन। तो RFPD अल्फाबेटिकल ऑवे, RFPD एंड अल्फा बेटिकल रूल्स आर ऑवे,
आरएपीडी और अल्फाबेटिकल दोनों ही रूल वैलिड होगा। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो चलें देख लें, अब इस पर हम लोग प्रैक्टिस कर लें। तो जिस तरह से आप अल्केन का नेमिंग किए सेम वैसा ही है, ये एक समझ लें सबस्टिट्यूएंट है। क्या है ये? सबस्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग उस किनारे से स्टार्ट करें जिधर से सबस्टिट्यूएंट नजदीक पड़े, तो 1, 2, 3, 4। तो क्या कहेंगे? 2 क्लोरो 2 क्लोरो, 4 कार्बन है मेन चेन में, तो बायूटेन। जस्ट लाइक हम लोग समझें जो किसका हम नंबरिंग कर रहे हैं, अल्केन का नंबरिंग कर रहे हैं। ध्यान से बी कॉन्शियस। सबसे पहले नोमेनक्लेचर में मेन चेन सर्च करना होता है, तो 1, 2, 3, 4 है ना। इधर से चले तो 2 नंबर पे 2 सबस्टिट्यूएंट मिला और 3 नंबर पे 1 सबस्टिट्यूएंट, क्योंकि ये समझे ही नहीं कुछ है, ये समझ लें जो सबस्टिट्यूएंट है। अब जहां से आप इंड किए वहीं से चले, 1, 2, 3, 4। इधर से चले तो 2 नंबर पे सबस्टिट्यूएंट और 3 नंबर पे ये सेम आ गया। इससे अगला चलिए, ये सही ये गलत, मतलब इधर से सही और इधर से क्या हो गया? गलत हो गया है ना। अब आप अल्फाबेटिकली एक्सप्रेस कर दे तो ये तो ब्रोमो कहलाएगा, क्योंकि बेस नेम दिए हैलो अल्केन। क्या नेम दिए? हैलो अल्केन। तो ब्रोमीन है तो ब्रोमो, क्लोरीन है तो क्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो। तो ये रहा ब्रोमो और ये तो मिथाइल है, तो पहले एम और बी में कौन किसको लिखा जाएगा? तो बी को ना लिखा जाएगा, तो इसीलिए 3 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल और 4 कार्बन तो ब्यूटेन। आया समझ में? हाँ सर जी, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए तो अब और ले लेते हैं, फिर से समझिए। अभी और कुछ है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो हमेशा ये समझें जो किसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, अल्केन का। तो जब अल्केन का आप कर रहे हैं तो आरएपीडी अप्लाई कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इधर से चले तो 3 नंबर पे और फिर 4 नंबर पे और जहां इंड किए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 3 नंबर पे 4 नंबर पे आरएफपीडी फेल। क्या कहिएगा? आरएफपीडी इज फेल। देन अप्लाई अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। यदि आरएफपीडी फेल कर जाए तो हम लोग अल्फाबेटिकल सीक्वेंस अप्लाई करेंगे। तो अल्फाबेटिकली जब चलिएगा तो ये 3 नंबर पे क्लोरो है तो सी रख देते हैं और 4 पे ब्रोमो है तो बी रख दीजिए। राइट साइड से बी तो सी, तो पहले बी ना, तो इसीलिए इधर से सही और इधर से गलत। 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो और मेन चेन में 6 कार्बन तो हेक्सेन। अब उम्मीद है जो क्लियर होता होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट नोट कीजिए और तैयार हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन तब तक हम आपको एक्सप्रेस कर देते हैं, देखिए जो बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो Cl CH3 CH3 CH2 CH3। तब तक ट्राई कीजिए, तब तक मैं इसको मिटाता हूं, है ना।
गया। हाँ सर जी, बैठे हुए हैं बना के हम। अरे इतना जल्दी नहीं बनेगा। चलिए देखिए, 1 2 दूसरा नंबर पे दो सबस्टिट्यूएंट, 1 2 3 तीसरा नंबर पे दो सबस्टिट्यूएंट, तो किधर से कहिएगा? तो लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सब का सब सबस्टिट्यूएंट हो गया, तो क्या कहते हैं, 2 2 डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन है तो क्या कह देंगे, पेंटेन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ले लेते हैं, पहचानते हैं इसको। क्यों नहीं सर जी, पहचान रहे हैं, जब आप पढ़ावे और ना पहचाने तो पढ़ना बेकार है। साइक्लो है ना, और सीएल जोड़ दीजिए तो क्या कहिएगा, क्लोरो साइक्लो हेक्स, साइक्लो पेंटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए आप इसको बना के दिखा दीजिए, बना लिए नंबरिंग। यदि रिंग आ जाए तो नंबरिंग तो उसी कार्बन से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, जहां पे सबस्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो 1 पे एक सबस्टिट्यूएंट, 1 पे एक सबस्टिट्यूएंट, आरएपीडी फेल, और जब आरएपीडी फेल कर जाए तो अल्फाबेटिकल 1 2 3 4 5 6, 1 ब्रोमो या सिर्फ ब्रोमो, 2 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन है ना। तो वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर एक बनावे, देखिए बनता है कि नहीं बनता है। ट्राई कीजिए, पहले दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। चलिए आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए इसी समय, और इस क्वेश्चन को नोट करें और फिर ट्राई करें। ट्राई कर रहे हैं, तो यदि हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो ये जो है आपका तो ये 1 पे दो सबस्टिट्यूएंट, यहां भी 1 पे दो सबस्टिट्यूएंट, आरएपीडी फेल, अब अल्फाबेटिकल, यहां बी है ब्रोमो और यहां सी है क्लोरो, यहां मिथाइल है, यहां इथाइल है, तो यहां पे 1 2 है ना, तो कह देते हैं 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, फिर 1 इथाइल 1 इथाइल, 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन, क्लियर है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो चले हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लें। देखिए सबसे पहले आपको पहचानना होगा, आप पहचान रहे हैं इसको, कौन सा है ये, बाईसाइक्लो। और याद है ना जो बाईसाइक्लो में क्या रूल है, ध्यान दें, बाईसाइक्लो में नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से है ना, ब्रिज हेड कार्बन से, और किधर की ओर चले जाना है, जिधर ब्रिज कार्बन सबसे अधिक हो। तो आप यहां से यदि स्टार्ट करें तो इधर की तरफ जाना पड़ेगा, और यहां से स्टार्ट करें तो इधर की तरफ जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमेशा नंबरिंग का रूल याद रखें बाईसाइक्लो में, जाएंगे तो हायर ब्रिज कार्बन की तरफ, लेकिन ध्यान रखें जो उसके बाद,
तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पर एक सबस्टिट्यूएंट इधर से 1 2 3 4 5 6 7 आरएपीडी फेल। अब क्या करें? तो अब जो है हमको अल्फाबेटिकल तो 7 पे क्लोरो इधर से 7 पे ब्रोमो तो पहले बी उसके बाद सी तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो क्या बोलिएगा 7 ब्रोमो 8 क्लोरो बाई साइक्लो कितना 4 2 0 4 2 6 2 8 ऑक्टेन हो रहा है क्लियर। यदि मेरे पास किसी को ना हो क्लियर पढ़ाई लिखाई छोड़ दे और चले जाएं हल्ले करके नहीं तो नमक का दुकान खोल लें। चलिए देखिए तो यहाँ पे ये जो है ब्रिज हेड कार्बन है ना, अब दोनों साइड ब्रिज कार्बन तो सेम है तो क्या किया जाएगा, 1 के बाद 2 पे एक सबस्टिट्यूएंट आरएपीडी फेल हो गया। अब क्या किया जाएगा? तो अब बात होगा अल्फाबेटिकल का, तो फिर 1 के बाद 2 क्योंकि ब्रोमी है ना 6 7 8 9 10 तो क्या बोलिएगा 2 ब्रोमो फिर क्या बोलिएगा 10 क्लोरो फिर क्या बोलिएगा 22 साइक्लो फिर क्या बोलिएगा 4 कहां से आ गया सर जी 4 तो 1 2 3 4 4 कार्बन है ना बीच में 0 4 4 8 और 2 10 तो डीकेन। मजा आ रहा है सर जी नोमेनक्लेचर बनाने में। तो ये नोमेनक्लेचर है बाबू, ये नोमेनक्लेचर भी जिसको समझ में ना आए तो वे बड़ा मुश्किल की बात होगी। तो चलिए आप पहचानिए जो ये क्या लिखे हम, तो ये स्पाइरो है और स्पाइरो जब है तो इसका अपना रूल चलेगा, चलेगा ना। तो क्या रूल है, जो नंबरिंग स्पाइरो कार्बन के जस्ट बगल से टुवर्ड्स द स्मॉलर रिंग तो ये रहा 3 कार्बन का और ये रहा 5 कार्बन का, तो ये स्मॉलर रिंग तो मेरा 3 कार्बन का है। तो चलो यहाँ पे जोड़ देते हैं Cl, यहाँ CH3 CH3 तो 1 2 3 4 ठीक है। अब किधर चलोगे, तो इधर चले तो 2 सबस्टिट्यूएंट, इधर चले तो 1 सबस्टिट्यूएंट, तो इधर ही ना चलना होगा। तो 5 6 7 8 और 9 लेकिन ध्यान रहे जो हमेशा नेम जो अरेंज किया जाएगा वे अल्फाबेटिकल, इसमें किसी प्रकार से कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो 9 क्लोरो 5 5 डाइमिथाइल आप लोग आगे लिखेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है। स्पाइरो 0 3 5 5 3 8 1 9 नोनेन। मजा आ गया सर जी, ठीक है ऐसे ही बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छा से अच्छा काम करते रहिए, पिताजी का नाम रोशन करते रहिए, समझ गए ना। यानी रातों का नींद उड़ जाए तब समझिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि रातों में नींद आ जाए तो समझिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्या समझे बाप, यानी जीवन में नाम करने के लिए जब तक अभी आप 11th 12th में हैं, जब तक कुछ मुकाम पे नहीं हासिल कर लेते तब तक नींद उड़ जाना चाहिए, समझ गया ना। सपना वो नहीं जो नींद में देखे, सपना वे है जो खुले आंखों से देखे। सुने हैं ना किनका कहना है, मिसाइल माइन का नाम सुने हैं ना, कौन, एपीजे अब्दुल कलाम, जो हम लोगों के सामान्य मान्य राष्ट्रपति थे, बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत ही अच्छे, कितना प्रशंसा किया जाए तो कम ही है उनके लिए, जो जाति से हटके धर्म से हटके एक संतुष्ट थे।
जो साइंटिस्ट होना चाहिए। तो चलें हम लोग अब बात करें कॉमन नेम, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बात कर लें, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलाइट, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलाइट। तो मोनो हेलाइट यानी कितना हेलाइट फंक्शनल ग्रुप, तो एक तो उसका नाम मोनो हेलाइट, दूसरा डाई हेलाइट, कितना हेलाइट फंक्शनल ग्रुप, तो दो कहीं भी हो, एंड सो ऑन। ट्राई हेलाइट कितना, तो हाइड्रोजन 3 हो जाए तो ट्राई हेलाइट, एंड सो ऑन। तो ये दोनों को हम लोग कह देंगे पॉली हेलाइट। क्या बोलिएगा, पॉली हेलाइट, मतलब यदि एक से ज्यादा हेलाइट आ जाए तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, पॉली हेलाइट। क्लियर है। मोनो हेलाइट मतलब वनली वन एक्स हेलाइट, और डाई हेलाइट नेम से ही स्पष्ट है जो कितना, दो। ट्राई हेलाइट मतलब कितना, 3। क्लियर है, उम्मीद है कि मेरा बच्चा सब क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग जो अब बात करेंगे वे मोनो हेलाइट के बारे में, और इसमें आपको अल्केन का सहारा लेना होगा, अल्केन में भी अल्काइल का सहारा लेना होगा, ठीक है। तो कॉमन नेम ऑफ मोनो हेलाइट और मोनो हेलाइट तो पहले ही क्लियर हो गया हम लोगों का, जो कितना हैलोजन होगा, तो ओनली वन हैलोजन, तो उसका ही नाम रख दिया गया मोनो हेलाइट। तो कॉमन नेम के लिए बेस नेम क्या होगा, अल्काइल हेलाइट। जरा ध्यान से देखो बाबू, ये CH3 क्या बोलिएगा इसको, मिथाइल बोलिएगा ना, सब लोग जानते होंगे। X तो क्या बोल दीजिएगा, मिथाइल हेलाइट, और CH3Cl तो सर जी इसको बोल देंगे मिथाइल क्लोराइड। क्लियर है। यदि ब्रोमीन रहेगा तो मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इन हम लोगों को ये पहचानने की जरूरत है, CH3CH2 क्या होगा इसका नाम, इथाइल, और CH3CH2X तो क्या बोलिएगा, इथाइल हेलाइड, है ना। फिर आगे हम बढ़ जाते हैं, अब CH3 याद होगा किसी को, क्या नाम है इसका, तो आइसोप्रोपाइल है ना, इसका आइसोप्रोपाइल, और अब इसमें जोड़ दीजिए आप CH3X, देख रहे हैं, तो कह देंगे आइसोप्रोपाइल हेलाइड। अब हेलाइड के जगह पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जोड़ते रहिए और फटाफट बनाते रहिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए फटाफट, हम आगे बढ़ते हैं। यानी हम लोगों का ये जो मोनो हेलाइड का कॉमन नेम है ये तब क्लियर होगा जब हम लोगों का अल्काइल का कॉमन नेम ये आता रहेगा। यदि अल्काइल का आ रहा है और नहीं आ रहा है तो वीडियो अगेन हम लेक्चर तो बना करके रख दिए हैं, इसीलिए आप लोग उसको फिर से रिवाइज कर लेना बाबू, क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है ये, इसको क्या बोलिएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल बोलिएगा ना, टर्शियरी ब्यूटाइल। और यदि CH3X अब क्या बोलिएगा, तो टर्शियरी ब्यूटाइल हेलाइड। अब देख लीजिए फिर क्या बोल दीजिएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। फिर से एक बार,
देखिए सबसे पहले ये हम लोगों को ग्रुप पहचानना होगा। कैसे पहचानेंगे? तो ये देखिए कार्बन जो है 3 डिग्री का कार्बन है। कैसे समझें जो 3 डिग्री का कार्बन है? क्योंकि ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन से अटैच है, इसीलिए 3 डिग्री का कार्बन है। और जब 3 डिग्री का कार्बन है तो इसीलिए इसका नाम टर्शियरी। T4 क्या? टर्शियरी कहा गया है, टर्शियरी। और 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। यहां पे देखिए अब यहां एक्स जोड़ दिए तो कह देंगे टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। अब एक्स के जगह पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सर जी आप तो बहुत अच्छा से पढ़ा दिए, नहीं तो लॉकडाउन में पता नहीं चल रहा था जो हम 12th पास कर जाएंगे कि नहीं। अब तो लगता है जो नीट और JEE क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए देखिए पहचान रहे हैं ये क्या है, तो इसको हम लोग कहेंगे नियो पेंटाइल। क्योंकि इतना पार्ट नियो है, अब हम इसी में जोड़ रहे हैं एक्स, तो नियो पेंटाइल हेलाइड। क्लोरीन तो नियो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो अगेन वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ हेलाइड। एक तो अभी ही क्लासिफिकेशन बात कर रहे थे, मोनोहेलाइड, डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड। दूसरा प्राइमरी हेलाइड देख लीजिए। ये देखिए कितने डिग्री का कार्बन है, ये 1 डिग्री का, इसीलिए ये हो जाएगा 1 डिग्री हेलाइड कह दीजिए या प्राइमरी हेलाइड। दूसरा सेकेंडरी हेलाइड। अब तो उम्मीद है जो समझ में आ गया होगा। ये कार्बन देखिए कितने डिग्री का कार्बन, एक इधर से 2 डिग्री का, इसलिए ये कह देंगे जो 2 डिग्री का हेलाइड हो जाएगा। तीसरा टर्शियरी हेलाइड। फिर से ध्यान से देखिए बाबू, ध्यान से। चलिए देखिए ये कार्बन एक इधर से कितने कार्बन से अटैच्ड है, 3 कार्बन से, इसलिए ये 3 डिग्री का कार्बन हो गया। यदि इससे कोई एक्स अटैच्ड कर दे तो ये बन जाएगा 3 डिग्री का हेलाइड। अब क्या 4 डिग्री का हेलाइड संभव है? तो नहीं सर जी। क्यों? क्योंकि एक कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, 4। इसलिए यदि फर्दर कोई 4 बॉन्ड बना ले तो अब तो कोई हेलाइड अटैच्ड हो नहीं सकता है। देख लीजिए इस तरह से, ये देखिए ये कार्बन 4 डिग्री है, और जब अब हम कोई हेलाइड जोड़ना चाहेंगे तो क्या जुटेगा? तो नहीं जुटेगा ना, इसलिए हम कह देंगे जो 4 डिग्री हेलाइड इज नॉट पॉसिबल। तो बस अभी हम हेलाइड के बारे में इतना ही बात करेंगे। इसमें अभी अगले क्लास में एक और लेक्चर देंगे जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाइहेलाइड पे है। इतना आप लोग तैयार रखेंगे, क्या कहें, स्टे द होम, सेफ द होम। जय हिंद।